12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर सीट वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का आइसक्रीम का बर्तन है। जैसे मान लीजिए एक बार इरशाद को पता है, इरशाद आइसक्रीम पहले बेचता था, मान लीजिए बेचता था ना, तो देखना सब जो ठेला घुमाता है सब ना आइसक्रीम वाला जो का करता है सब, मान लीजिए कि तुम आइसक्रीम मांगोगे तो वो रहता है मतलब कल छुल करके ऐसा लगाएगा, काल काल भरता है सब ना, तो वो जो भरता है सब ना आइसक्रीम, तो उसका जो बर्तन होता है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो बर्तन होता है ना अंदर में देखना सब इसके आकार का होता है। और इसमें क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ रहता है, आइसक्रीम भरा हुआ रहता है। तो इसकी जो है इसका जो व्यास है 12 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें भर के आइसक्रीम रखा हुआ है, क्या किया हुआ है, आइसक्रीम रखा हुआ है, उन्होंने लार नहीं खेल चुत रहे, देखो आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है इस आइसक्रीम को क्या करना है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाएगा, क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। तो मान लो एक शंकु है ऐसे, एक शंकु ऐसे है, ऐसा नहीं कर रहा है मैंने को बराला आइसक्रीम हुआ, अच्छा आइसक्रीम की ऊंचाई, आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास कितने है इसकी, इसकी जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। फिर कह रहा है जिनकी ऊपरी सिरा अर्ध गोला का है, क्या है अर्ध गोला, क्या मतलब क्या होता है, ऊपर वह क्षेत्र ना रखा जाता है सब, एक गोल का जो ऊपर से पहले खा लेता नीचे जाए खाइय, ऐसा ना होता है। अब बताना है कि उन शंकुओं की संख्या क्या होगी जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, मतलब क्या है कि इस तरीके का अगर आइसक्रीम बनाया जाएगा तो कितने आइसक्रीम का पैकेट बन सकता है, नहीं समझा आपने बात, समझे, एक आइसक्रीम का एक डब्बा है जो बेलना के आकार का है जिसकी व्यास इतनी है और लंबाई इतनी, बात समझना। उसके बाद क्या है कि एक जब आइसक्रीम वाला उसको आइसक्रीम को क्या करता है, कोन वाला जो आइसक्रीम जो भरता है सब उसमें भर के बेचना शुरू करता है, तो इसकी पूरी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी व्यास कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और पूछा जा रहा है कि अगर इस तरीके का अगर कोन में भरा जाए तो ये आइसक्रीम कितने मतलब कि आइसक्रीमों में भरा जा सकता है, ये वाला इसमें का जो आइसक्रीम है निकाल करके अगर इस तरीके के बर्तनों में भरा जाए तो इसके तरीके से कितने बर्तन में भरा जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में, वो मलाई मान लो ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बेलन का आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे ना, इस फिगर में दिक्कत नहीं है तो एक काम कीजिए यहाँ लिख लीजिए दिया है, ठीक है, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कैपिटल एच से लिखिएगा क्योंकि बड़ा है, ठीक है, कितना दिया है 15, ठीक है। इसी तरीके से बेलनाकार बर्तन की व्यास यहाँ पे क्या होगा डी, कितना दिया है 12, हालांकि व्यास हमको कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से क्या लिखेगा, बेलनाकार इसकी क्या होगा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी भी आर मानिए, कैपिटल आर मानिएगा क्योंकि यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो हमने क्या मान लिया इसका, जब 12 व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत, अब यहाँ फिर लिखिएगा शंकुकार बर्तन, बर्तन ही नहीं तरह का है वो, कि ऊंचाई कितनी है, ये देखो पूरा 12 है
कितना है पूरा 12 है लेकिन इसमें से ये निकल जाएगा, कितना निकलेगा यहाँ से ये व्यास निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे शंकुकार पूरा बर्तन की ऊंचाई कितनी है 12, बात समझिएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फिर, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी व्यास, इसकी व्यास अगर दिया हुआ है 6, कितना दिया है 6, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, शंकु जो यहाँ से यहाँ तक शंकु दिया है ना, इसकी ऊंचाई पहले निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेना शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा, पूरा ऊंचाई आइसक्रीम का पूरा ऊंचाई कितनी है 12। तुमको पता है कि एक अर्धगोला का जितना त्रिज्या होता है उतना ही उसकी क्या होती है गहराई होती है, क्या होती है गहराई। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर त्रिज्या 3 है, इसकी गहराई भी कितनी होगी 3 होगी। तो अगर ये 3 है तो यानी कि पूरी की संख्या यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो अगर हम इतना 3 घटा दें, इतना घटा दें तो कितना बच जाएगा 12 में से अगर 3 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कोई दिक्कत। शंकु की ऊंचाई को यहाँ पे स्मॉल एच लिखिएगा, कोई दिक्कत है ये ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब आप पे काम कीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कितने के बराबर है ये देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, अब यहाँ लिखिएगा माना कि शंकुकार आइसक्रीम की संख्या क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बेलन का आयतन लिख सकते हैं क्योंकि ये बेलनाकार ही है ना, लिख सकते हैं बेलन का। प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, तो ये वाला क्या है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन प्लस ये क्या है यहाँ से देखिए, तो यहाँ से शंकु का आयतन, और ये टोटल कितने हैं ये हमको पता नहीं, उसके टोटल संख्या कितने मान लिए हैं एक्स, क्या मान लिए हैं, तो दिक्कत है। चलिए बेलन का आयतन कितना होता है ये बताइए, तो पाई, यहाँ पे बड़का लेंगे कि छोटका लेंगे, यहाँ देखिए टोटल इसका बड़ा वाला सब चीज़ है यहाँ पे, है कि नहीं है, तो पाई 12r² h होगा कि नहीं होगा, किसी को दिक्कत है। चलिए यहाँ पे x है तो x लिख लेंगे, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r, स्मॉल r होगा ना इसका, स्मॉल r है यहाँ पे, अच्छा अर्धगोला वाला नहीं लिखा है, तो जितना शंकु का होगा उतना ही अर्धगोला का होगा ना। चलिए तो पाई r क्यू प्लस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, कोई दिक्कत है अभी तक। चलिए यहाँ पे हमने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ एक्स पहले से तो रहने दो, यहाँ देखो पाई और यहाँ भी पाई, तो पाई कॉमन हो सकता है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन है क्योंकि आर 3 को है यहाँ पे, यहाँ पे 2 गए, तो हम तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/3 आर बच जाएगा और 1/3 एच बच जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ से आई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ आर का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला आर कितना है देखिए, तो 6 का स्क्वायर, एच कितना दिया है देखिए, तो इसका 15, अच्छा एक्स है तो एक्स रहने दीजिए, स्मॉल आर कितना दिया है देखिए, तो कितना दिया है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2/3 और आर का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 3 है ना, 3 है, चलिए 1/3 और इसका एच कितना है, स्मॉल एच कितना है देखिए, तो स्मॉल एच 12 नहीं है 9 है, क्योंकि यहाँ से पूरा ऊंचाई ना 12 था, हमने उसमें से निकाल दिया तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है इसको मिटा देना, ठीक है बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 9,
आई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए 3 तिरका 9, चलिए ये 6 6 का कितना हो जाएगा, 36 × 15, ये x 3 तिरका 9, और ये कितना हो जाएगा देखो, तो इसमें कुछ बचा नहीं है तो 2, इसमें नहीं बचा था कितना 3, तो 36 × 15 x × 9 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू इधर रहने दीजिए, और 36 × क्या खींचेगा 15 है, इधर जितना गुना में इधर क्या करेगा भाग कर देगा, तो 9 × कितना हो जाएगा 5, 5 × 3 = 15, 9 × 4 = 36, 4 × 3 = 12, यानी कि आइसक्रीम की संख्या कितनी हो जाएगी 12। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उतार लीजिए 15 × ये एक्स 3 तिरका 9, और ये कितना हो जाएगा देखो, तो इसमें कुछ बचा नहीं है तो 2, इसमें नहीं बचा था कितना 3, तो 36 × 15 x × 9 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू इधर रहने दीजिए, और 36 × क्या खींचेगा 15 है, इधर जितना गुना में इधर क्या करेगा भाग कर देगा, तो 9 × कितना हो जाएगा 5, 5 × 3 = 15, 9 × 4 = 36, 4 × 3 = 12, यानी कि आइसक्रीम की संख्या कितनी हो जाएगी 12। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी कर रहा है कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब क्या है, सपोज मान लो कि ये ऐसे करके ऐसा, ये क्या है चांदी का सिक्का है, नहीं चांदी का सिक्का ऐसा नहीं बनता है, मतलब बनता कैसे देखो, मान लो थोड़ा सा एक ये हो गया और एक ये हो गया, और थोड़ा सा सिक्का में भी तो थोड़ा सा मोटाई होता है कि नहीं होता, सिक्का में भी थोड़ा सा मोटाई होता है ना। अब देखिएगा, अब इसकी व्यास क्या है, इसकी जो व्यास है 1.75 सेंटीमीटर है, और जो इसकी मोटाई है वो 2 mm है, कितनी है 2 mm है, और इसके तरीके से कितने सिक्के गलाएंगे हम तो एक क्या बन जाएगा घनाव, ये कौन सी बनाता है सिक्का के घनाव, इसकी लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ये सिक्का को ऐसे, मतलब इस तरीके का सिक्का को कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा तो इस तरीके का क्या बन जाएगा घना बन जाएगा। तो सबसे पहले हम सिक्कों का आयतन निकालेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, दिया है क्या दिया भाई, इसका सिक्का, सिक्कों का व्यास क्या दिया है 1.75, तो अगर सिक्कों की त्रिज्या निकाला जाए 1.75 / 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर इस सिक्के की क्या दिया है ऊंचाई दिया हुआ है, सिक्के की ऊंचाई दिया हुआ है 2 mm, क्या दिया हुआ है 2 mm, तो यहां देखिएगा 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, कितना होता है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, सिक्के की ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको 10 से हमको भाग देना पड़ेगा तो इसको हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 0.2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, क्या, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, यहाँ पे अगर सब कोई कोट पैंट पहन के आए
आ तोर ससुर का लुंगी पहन के आओ अच्छा लगे है ना लगे। उसी तरीके से अगर सब कुछ इसमें सेंटीमीटर में है, ये एमएम में रहेगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना लगेगा, इसको भी हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, घनाभ का लंबाई कितना दिया है 5.5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सब कुछ यहाँ पर हम लोग लिख लिए। चलिए एक चीज़ नहीं लिखे हैं जो नहीं दिया है, इसको मान लेंगे, माना कि सिक्कों की संख्या कितनी है x, जो दिया था वो लिख दिया, जो नहीं दिया उसको मान लिए। आइए यहाँ पे, तो सबसे पहले एक सिक्के का आयतन निकालेंगे, सिक्का का आयतन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, अर्धगोला बनल मुँह में चश्मा लगा हुआ चश्मा, घनाभ का आयतन। अब ये देखना है सिक्का का आयतन और घनाभ का आयतन, जब दोनों को बराबर करना है ना हमको, क्योंकि इसमें से जितना सिक्का गलाएंगे उतना ही घना आयतन का क्या बन जाएगा, घनाभ बनेगा। तो ये बराबर है क्या, नहीं है ना। बराबर करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि भाई कितना सिक्का माने हैं टोटल x, x से क्या कर देंगे, एक उस सिक्के का आयतन में x से गुना कर देंगे तो टोटल सिक्के का आयतन निकल जाएगा, और उसके बाद हमारे घनाभ का आयतन से बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे x लिख लीजिए, और बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन के आकार का ही है ना, बहुत अच्छा, पाई आर स्क्वायर कितने लिख दें, कोई बात नहीं, बेलन का आयतन। अब इसे चलिए, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने एल गुने बी गुने एच। दिक्कत क्या है जानती हो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिखने चाहिए तुमको सिक्कों की आयतन, और ये दिमाग में रखना चाहिए कि सिक्का किस कलर किस शेप का होता है, बेलन के शेप का होता है। तो अगर तुम चाहती हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आया देखो, एक्स का एक्स है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, देखिए दिया है क्या, 3.7 दिया है। आर कितना है देखो तो इसका 1.75 by 2, इसका एच कितना दिया है, इसका एच कितना दिया है 0.2, एल इसका 5.5, बी 10, एच 3.5, ठीक है। सभी संख्या को हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिएगा क्या कि हमको, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उधर भेजेंगे। देखो क्या करना है, इसको x यहाँ पे है 22/7, यहाँ से अगर यहाँ से हम हटाते हैं तो 2 0 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, यहाँ पे 175/200, यहाँ पे 175/200, यहाँ पे क्या बचेगा 2/10, कोई दिक्कत, यहाँ पे हो जाएगा 55/10 है, 35/10, ठीक है। चल अब इधर से जितना भी संख्या उधर जाके क्या करेगा, जाएगा तो भाग करेगा ना, तो भाग करेगा तो आपको पता है कि जब भाग करेगा तो फिर पलटेगा, नहीं समझे। अगर मान लीजिए 3/5 है, इधर से कोई संख्या गया उधर, तो अगर इधर गया तो यहाँ पे क्या किया 6/5 कर दिया मान लीजिए, तो अब क्या करेंगे इसको 3/5 और गुने 5/5 क्या कर देंगे 6 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे
या इसको काट कूट कर देते हैं पेटा, ये 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा, हो जाएगा। चल और क्या इसमें कट सकता है, देखो तो 2 से 2 दाएँ 2 5 10 ठीक है। और इसको काटेंगे 5 से तो कितना बार में कटेगा ये, 5 3 15 और इसमें क्या 2 2 5 25 कट जाएगा ना। अभी बोला अभी नहीं काट रहे, बता रहे काय नहीं काट रहे, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और क्या कटने वाला है भाई, अगर हम ठीक है देखते हैं, अगर हम इसको 2 से काटते हैं इसे 2 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। अब ज़्यादा ही हो गया था, 100 और नीचे चलते हैं, एक्स गुने 11 गुने 175/200 यहाँ पे क्या है 5/100 यहाँ पे क्या है 55 चलो काट ही दो, 5 7 35 5 2 10 7/2 बच गया, कोई दिक्कत आया क्या समझ में। चलिए अब इसको हम अगर काटते हैं, इसको अगर 5 से काटते हैं 5 से तो 5 2 10 20 बार में कट जाएगा। फिर अगर हम इसको काटते हैं, इसको 5 से काट लो पर 5 से काटते तो 5 2 20 इसको काटेंगे कितना से, 5 से तो कितना होना 5 3 15 50 25 फिर इसको काटते तो 5 8 40 5 7 35 अब शायद कुछ कटने वाला नहीं है। यहाँ पे आप बच गया आपके पास कितना, x गुने 11 गुने 7 और 8 गुने क्या बच गया 20 ठीक है। अब देखो आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हम x यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 55 गुने 7/2 और टोटल गुना में है जो क्या करेगा, मान लो भाग कर देगा, भाग क्या करेगा 11 गुने 7 बटा में 8 गुने 20 है ना करेगा भागा। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए तो एक्स बराबर 55 गुने 7/2 भागा में है तो क्या हो जाएगा, गुना बदल जाएगा और ऊपर चल जाएगा 8 गुने 20 नीचे से क्या चला जाएगा 11। अब देखो यहाँ देखोगे अगर हम 2 से काटते हैं इसको तो 2 से काटेंगे तो 2 4 8 अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 5 55 तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको 5 गुने 4 गुने 20 तो 5 4 20 और 20 गुने 20 कितना होगा 400 क्या दिया जी, 400 सिक्का होना चाहिए।